बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन्स देखी थी और स्टैक मैनिपुलेशन के कुछ रूल्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम बाकायदा स्टैक मैनिपुलेशन करवाएंगे, जो कि आपने एक्सप्रेशन निकाली थी, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन निकाली थी, उसको स्टैक में डालकर देखेंगे और इसके अलावा भी बुक के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिसके अंदर हम इनफिक्स नोटेशंस को पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर तब्दील करेंगे। तो आइए फिर अपने लेक्चर का आगाज करते हैं दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन या फिर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर तब्दील करना देखा था, जिसको कुछ रूल्स के थ्रू तब्दील किया जाता है। और जब हमने इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास रिजल्टेंट में ये एक्सप्रेशन आई थी। और दोस्तों, इसको इसीलिए कन्वर्ट किया गया था ताकि हम इसको स्टैक में डाल सके। जब हम स्टैक में इस एक्सप्रेशन को डालेंगे तो फिर ही हमें उसका रिजल्ट मिल सकता है। तो दोस्तों, स्टैक में डालने का जो सबसे पहला रूल था वो हमने कर लिया, जो कि था कि सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है किसी भी एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया था, विच इज अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इसके बाद जो दूसरा रूल था वो था पुश द ऑपरेंड्स इन स्टैक इन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर। यानी आपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन निकाल ली, अब वो जो भी आपको जिस भी मैनर में नजर आ रही है बिल्कुल उसी मैनर के अंदर आपको उसे स्टैक में डालना है। और स्टैक में डालने के बाद जब भी कोई ऑपरेटर उनके दरमियान आएगा, यानी आप ऑपरेटर ऑपरेंड्स को तो डायरेक्टली डाल देंगे, लेकिन जब भी ऑपरेटर आएगा तो आपको पहले स्टैक में जो टॉप मोस्ट टू ऑपरेंड्स होंगे उनको पॉप करना होगा, उनको निकालना होगा, उनके ऊपर वो ऑपरेटर परफॉर्म करवाना होगा। और परफॉर्म करवाने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको दोबारा से स्टैक में डालना होगा। और इस तरीके से होगा क्या, आपको आपका मतलूबा रिजल्ट मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं रूल नंबर टू को, क्योंकि रूल नंबर वन हमने ये फॉलो कर लिया है। रूल नंबर टू के अंदर हमें ऑपरेंड्स को डालना है। तो हमारे पास अगर आपको नजर आ रहा है तो सबसे पहला जो ऑपरेंड है विच इज 4, हम इसको स्टैक में डालेंगे। हमने 4 को स्टैक में डाल दिया। इसके बाद हमारे पास दूसरा ऑपरेंड है 3। तो याद रखिए दोस्तों, जब आप दूसरा ऑपरेंड डालेंगे तो वो आप इस 4 के ऊपर डालेंगे, यानी इस 4 के बाद ही डालेंगे। तो ये 4 वहां पर स्टैक में मौजूद है। अब आपने 3 डाल दिया तो अब स्टैक के अंदर दो ऑपरेंड्स मौजूद हैं, पहला है 4 और दूसरा है 3। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तीसरी चीज जो इनकाउंटर हो रही है वो है एक ऑपरेटर। और ऑपरेटर के लिए रूल क्या है कि जब भी स्टैक के अंदर आप कोई एक्सप्रेशन डाल रहे होंगे और ऑपरेटर इनकाउंटर होगा तो आपको टॉप मोस्ट टू वैल्यूज जो भी स्टैक में होंगी उनके ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई करना है। पहले उन एक्सप्रेशन उन ऑपरेंड्स को निकालना है, निकालने के बाद उनके ऊपर ये ऑपरेटर अप्लाई करना है। और ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो भी आपको दोबारा से स्टैक में डालना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज को पॉप आउट किया। पॉप आउट करने के बाद इनके दरमियान ये ऑपरेटर लगाया। तो जब आप 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से तो रिजल्ट आएगा 12, और 12 को हमने दोबारा से स्टैक में पुश कर दिया। तो फ्रेंड्स, याद रखिए पहले हमने इन दोनों को पॉप आउट कर दिया, अब ये दोबारा स्टैक में मौजूद नहीं है, ये स्टैक से निकल चुकी है। निकलने के बाद हमने इनके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई किया और रिजल्ट जो है वो स्टैक में डाल दिया। अब आपको नजर आ रहा है स्टैक के अंदर जो अगली चीज इस एक्सप्रेशन में नजर आ रही है वो है 1, जो कि है एक ऑपरेंड। और जब ऑपरेंड आएगा तो आप उसको डायरेक्टली स्टैक के अंदर इंसर्ट कर देंगे, पुश कर देंगे, और हमने इस ऑपरेंड 1 को 12 के ऊपर पुश कर दिया। तो इस तरीके से अब आपके स्टैक में मौजूद है 12 और 1। अब आप दोबारा देखिए, अब जो अगली चीज आप स्टैक के अंदर डालने जा रहे हैं तो आपको नजर आया कि वो ऑपरेंड नहीं है बल्कि ऑपरेटर है। और ऑपरेटर के लिए रूल ये है कि जब भी ऑपरेटर इनकाउंटर होगा तो स्टैक के अंदर मौजूद टॉप टू वैल्यूज को आपको पॉप आउट करना है, निकालना है। निकालने के बाद उन पर ये ऑपरेटर परफॉर्म करवाना है, जैसे कि मैंने करवा दिया, और जो भी रिजल्ट आएगा वो दोबारा से आपको स्टैक में डालना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने 12 और 1 के दरमियान ये ऑपरेटर लगाया तो मेरे पास रिजल्ट आया है 12, और 12 को मैंने दोबारा से स्टैक में डाल दिया। अब आपका ये यहां तक परफॉर्म हो चुका है। अब बारी आती है 5 की, और 5 ऑपरेंड है और ऑपरेंड को हमें डायरेक्टली स्टैक में पुश करना है। तो मैंने ये 12 के ऊपर स्टैक में पुश कर दिया। अब आप देख सकते हैं, अब हमारे पास बचा है प्लस, और प्लस है एक ऑपरेटर। ऑपरेटर के लिए आपको रूल पता है, जब भी ऑपरेटर आएगा तो आपको स्टैक की टॉप टू वैल्यूज को पुश कर पॉप करना है,
निकालना है। निकालने के बाद उन पर ये ऑपरेटर परफॉर्म करना है उन दोनों वैल्यूज पर, और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको स्टैक में डाल देना है। तो दोस्तों हमने बिल्कुल ऐसे ही किया, 12 और 5 को पॉप आउट किया, पॉप आउट करने के बाद उनके दरमियान ये ऑपरेटर लगाया, उनके दरमियान ये फंक्शन परफॉर्म करवा के जो भी रिजल्ट आया हमने दोबारा से उसको स्टैक में पुश कर दिया। अब आगे आपके पास कोई भी ऑपरेटर या फिर ऑपरेंड मौजूद नहीं है, आपकी एक्सप्रेशन सॉल्व हो गई और रिजल्ट भी, ओनली द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज लेफ्ट इनटू द स्टैक। और आप देख सकते हैं कि आखिरी रूल के थ्रू हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो स्टैक में पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन को स्टैक पहले पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करता है और स्टैक के थ्रू उसका रिजल्ट निकालता है। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने दो तरीकों से, एक बुक के तरीके से और एक मैंने अपने तरीके से दो एक्सप्रेशन सॉल्व करवाई थी। आप दोनों को इसी स्टैक के थ्रू एक ही क्वेश्चन सॉल्व करवाया था दोनों तरीकों से। जब आप दोनों तरीकों को डालेंगे और रिजल्ट आपका 17 ही आ रहा है दोनों एक्सप्रेशन से, इसका मतलब है कि दोनों एक्सप्रेशन ठीक है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों अभी हमने स्टैक की डिटेल देखी थी कि किस तरीके से एक पोस्टफिक्स नोटेशन को स्टैक के अंदर डाला जाता है। और स्टैक इतना ज्यादा कोई स्टैक के अंदर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है। असल चीज है इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना। तो दोस्तों आइए इसकी मजीद कुछ एग्जाम्पल्स को, आपके बुक के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो दोस्तों इनफिक्स नोटेशन इस तरह की नोटेशन होती है जिसके अंदर दो ऑपरेंड्स के दरमियान ऑपरेटर मौजूद होता है, और हमारा कंप्यूटर इनफिक्स नोटेशन को अंडरस्टैंड नहीं करता, वो करता है पोस्टफिक्स नोटेशन को। तो इनफिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है, और पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स हैं, जिनमें पहला रूल है कि सबसे पहले जो भी आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं उसके अंदर अगर आप पैरेंथेसिस नजर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको उन पैरेंथेसिस को परफॉर्म करना है। उसके बाद आपको प्रायोरिटी चेक करनी है, जिनमें हाई प्रायोरिटी है मल्टीप्लाई और डिवाइड की, और लो प्रायोरिटी है प्लस और माइनस की, और इन दोनों की आपस में सेम प्रायोरिटी है, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड की सेम प्रायोरिटी है और प्लस और माइनस की भी सेम प्रायोरिटी है। और इन दोनों रूल्स को हमने पिछले लेक्चर में काफी डिटेल में पढ़ा था, आप उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं ताकि मजीद आपको ये चीजें और अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आइए फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आपको सबसे पहले नजर आ रहे हैं पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस है सबसे पहले है एक ये एक्स वाई वाला पैरेंथेसिस, उसके बाद आपको v और w भी पैरेंथेसिस में नजर आ रहे हैं, और ये पूरी एक्सप्रेशन आपको पैरेंथेसिस में नजर आ रही है। तो दोस्तों जिस तरीके से हम मैथमेटिक्स के अंदर पहले राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी जो हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे वो हमारे होंगे राउंड ब्रैकेट वाले। तो राउंड ब्रैकेट में आपको कौन से नजर आ रहे हैं, आपको सबसे पहले x प्लस वाई नजर आ रहा है और v प्लस w नजर आ रहा है। तो ये एक इनफिक्स रोटेशन है, हमें पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है, और पोस्टफिक्स के अंदर सबसे पहले आते हैं ऑपरेंड्स यानी ये और ये, उसके बाद आते हैं ऑपरेटर। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों हैं पैरेंथेसिस के अंदर, और हमने इसको ऑपरेंड वन ले लिया और इसको ले लिया ऑपरेंड टू, इस तरीके से एक्स को ले लिया ऑपरेंड वन और वाई को ले लिया ऑपरेंड टू। तो हमारे पास रिजल्ट आया है ये ऑपरेंड टू ले लिया, इस तरीके से इसको ऑपरेंड वन और v को ऑपरेंड टू ले लिया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया ऑपरेंड वन ऑपरेंड टू और आखिर में ऑपरेटर, ये अब कन्वर्ट हो चुकी है पोस्टफिक्स के अंदर। और इसी तरीके से मल्टीप्लाई एज इट इज आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, z आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, और यहाँ पर हमने जब इसे कन्वर्ट किया तो पहले आ गया ऑपरेंड वन ऑपरेंड टू और आखिर में आ गया इनका ऑपरेटर, और इसी तरीके से प्लस एज इट इज आ गया और s आ गया और आ गया आपका स्क्वायर ब्रैकेट। अब आपके ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं, अब आपके पास आ गया है ये स्क्वायर ब्रैकेट, यानी अब हमें किसी को नहीं देखना, सिर्फ इस ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है, अब बारी है इन दोनों की। तो दोस्तों आप इसको अभी भूल जाएं, जब आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं दो ऑपरेटर्स, एक है मल्टीप्लाई और एक है प्लस। तो इसके लिए भी रूल है, वो है रूल टू, कि जब भी आपको ऑपरेटर्स नजर आए तो आप उनको प्रायोरिटी वाइज सॉल्व करें। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हाई है और प्लस की प्रायोरिटी है लो, तो सबसे पहले आप इन दोनों ऑपरेंड्स को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स याद रखिए, जो भी आप सॉल्व करने के बाद रिजल्ट निकालेंगे, पोस्टफिक्स एक एक्सप्रेशन निकालेंगे, वो पूरी एक्सप्रेशन एज अ ऑपरेंड रिप्रेजेंट करेगी अपने आप को। तो यहाँ पर वी डब्ल्यू वी और प्लस, ये पूरा एक ऑपरेंड की तरह काम करेगा। तो ये कहलाएगा, ये बन जाएगा ऑपरेंड वन, ये होगा ऑपरेंड टू, और आपको पता है कि
पोस्टफिक्स के अंदर पहले आता है ऑपरेंड वन, फिर आता है ऑपरेंड टू और आखिर में आता है उसका ऑपरेटर। तो दोस्तों यहाँ तक ये पूरी कन्वर्ट हो चुकी है हमारी पोस्टफिक्स के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही ये आ गया, मल्टीप्लाई एज इट इज आ गया, ये तमाम चीजें आ गई, लेकिन ये अभी हमने सॉल्व किया है तो इसका रिजल्ट बना है ये, यानी W V प्लस Z और प्लस मल्टीप्लाई। अब आपके पास जो एक सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेटर इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद है वो है प्लस का, तो आप सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा एक ऑपरेटर को, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी रिजल्टेंट आएगा वो एक ऑपरेटर की तरह काम करेगा, और ये एस रिप्रेजेंट करेगा ऑपरेटर टू को, और आपको पता है पोस्टफिक्स के अंदर पहले आते हैं ऑपरेंड्स और आखिर में आ जाता है उनका ऑपरेटर। तो इस तरीके से ये पूरी एक्सप्रेशन कन्वर्ट होके पोस्टफिक्स के अंदर तब्दील हो गई है। दोस्तों अब सिर्फ आपके पास नजर आ रहा है ये वाला ऑपरेटर जिसको हमें तब्दील करना है, यानी अब आपके पास किसी और कोई और ऑपरेटर इनफिक्स एक्सप्रेशन नहीं बची है, सिर्फ ये बची है। तो दोस्तों ये एक ऑपरेंड बन जाएगा और ये बन जाएगा दूसरा ऑपरेंड। ये ऑपरेंड वन ले लिया हमने और इसको ले लिया ऑपरेंड टू को। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी रिजल्ट आएगा वो पूरा रिजल्ट जो भी इनफिक्स से कन्वर्ट होके पोस्टफिक्स बनेगा, जो भी एक्सप्रेशन इनफिक्स से कन्वर्ट होके पोस्टफिक्स बनेगी वो पूरा एक ऑपरेंड की तरह काम करेगी। तो ये पूरा एक ऑपरेंड रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, ये दूसरा ऑपरेंड है और इनका रिजल्टेंट बनेगा ऑपरेंड वन, यानी पहले आपके पास आ जाएगा एक्स वाई प्लस, फिर आ जाएगा ऑपरेंड टू, जहां तक आ गया ऑपरेंड टू और आखिर में आ गया है इनका रिजल्ट। तो दोस्तों इस तरीके से दोस्तों यहाँ तक हमारा ये चैप्टर नंबर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर कंप्लीट हुआ। इसके अंदर हमने देखा कि आर्किटेक्चर क्या होता है, एक कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, वो किस तरीके से वर्किंग करते हैं, और तमाम कंपोनेंट्स सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बसेस और रजिस्टर्स की डिटेल्स देखी, और साथ के साथ बहुत ही ज्यादा डिटेल में स्टैक को भी देखा और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 का आगाज करेंगे, और चैप्टर नंबर 6 है वायरस सिक्योरिटी और कॉपीराइट से रिलेटेड। तो दोस्तों अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का आगाज करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।